और जनाब, आजकल हिंदुस्तान में क्या चल रहा है? जनाब हिंदुस्तान में तो डीपीआई चल रहा है। ज्यादा सोचिए मत, क्योंकि डीपीआई है राइस्टार का हेडशॉट लगने का सीक्रेट। तो आज ही डीपीआई यूज करे और हेडशॉट मारना स्टार्ट करे। हाँ भाई। खत्म। अब देखो यार, जब भी साला डीपीआई के ऊपर वीडियो बनाने जाता हूँ तो हर बार एक कॉमन कमेंट आता ही है कि भाई डीपीआई से हमारा फोन खराब तो नहीं हो जाएगा। अब देखो यार, उनको कैसे समझाओ कि यार डीपीआई हर एक बंदा यूज करता है और डीपीआई से ही आपका हेडशॉट लगेगा, क्योंकि सेंसिटिविटी सबसे हाई हो जाता है डीपीआई यूज करने के बाद। लेकिन रुको एक सेकेंड, वो जोगिंदर लाल कांड के बंदर। देखो यार, 1 लीटर बॉटल में आप लोग 1 ही लीटर पानी भर सकते हो, लेकिन अगर आप लोग 1 लीटर बॉटल में 2 लीटर पानी भरने जाओगे तो वहां पे क्या होगा, जो पानी है पानी वहां से निकल जाएगा। वैसे ही भाई, आप लोग एक ही टाइम पे 1 लीटर पानी पी सकते हो, लेकिन अगर आप लोग 1 ही टाइम पे 2 लीटर पानी पीने जाओगे तो वहां पे आपका पेट जो है फट जाएगा। तो यार ऐसे ही आपके डिवाइस के अनुसार आपको डीपीआई लगाना है, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, जिससे आपके फोन में कोई भी खराबी ना आए। क्योंकि यार बहुत सारे बंदे मम्मी पापा के फोन में, भैया के फोन में खेलते, तो अगर उनका फोन खराब हो जाएगा तो भाई उनको तो मतलब समझ रहे हो ना। प्यारी समझ गई। तो भाई देखो यार, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यार जो डीपीआई मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपके फोन के लिए एकदम परफेक्ट डीपीआई बताने वाला हूँ, जिससे आपके फोन में कोई खराबी भी नहीं आएगा और आपका गेम प्ले भी और भी ज्यादा बेटर हो जाएगा। आप लोग और भी अच्छा खासा मूवमेंट भी कर पाओगे, उसके साथ साथ और भी अच्छा खासा हेडशॉट भी मार पाओगे। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है कि इस वीडियो को कर देना है लाइक, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चाहे आपके पास फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, इंस्टा है, जो भी है उसमें ये वीडियो को शेयर कर दो। और आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो, वहां पे देखो एक जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है ना, तो उस बटन को प्रेस कर लो बस। देखो यार, डीपीआई क्या है, डीपीआई का फुल फॉर्म क्या है, भाई ये सब बता के आपका टाइम वेस्ट करने वाला नहीं हूँ, तो आपको एकदम डायरेक्ट वीडियो में लेके चलता हूँ। देखो यार, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि डीपीआई को ऑन कैसे करें, क्योंकि यार बहुत सारे बंदे को डीपीआई को ऑन करना नहीं आता है। तो उनके लिए बताना चाहता हूँ कि जो डीपीआई हमारा ऑप्शन है, ये ऑप्शन हमारे डेवलपर ऑप्शन के अंदर रहता है। लेकिन जो डेवलपर ऑप्शन है, ये ऑप्शन हमारे फोन में पहले से ही रहता है, लेकिन इस ऑप्शन को भी हमें ऑन करना पड़ता है। लेकिन आप लोग कैसे ऑन कर सकते हो वही चीज मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे मोबाइल के सेटिंग के अंदर चले जाना है, फिर आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके बिल्कुल नीचे की तरफ आना है। अब देखो ज्यादा भी नीचे मत आ जाना, वरना आपको कुछ और मिल जाएगा। तो भाई देखो यार, जैसे यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाओगे तो यहाँ पे अबाउट फोन बोल के आपको एक ऑप्शन मिलेगा, तो इसके अंदर आपको चले जाना है। अब देखो जैसे इसके अंदर आओगे तो यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन बोल के एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको फिर से इस ऑप्शन के अंदर आना है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि बिल्ड नंबर बोल के एक और ऑप्शन है, तो भाई इस ऑप्शन में आपको टैप करते जाना है। देखो यार, 5-6 बार टैप करने के बाद यहाँ पे आपको एक कोड देना पड़ेगा, मतलब यार आपके फोन में जो पिन कोड से आप लोगों ने अपने मोबाइल को लॉक किया है, तो वही पिन कोड यहाँ पे आपको देना है। जैसे कि मेरा यहाँ पे पिन कोड था 3690, तो जैसे यहाँ पे मैं नेक्स्ट करूंगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो हमारा डेवलपर वाला ऑप्शन है, ये ऑप्शन यहाँ पे ऑन हो चुका है। अब देखो सिंपली यहाँ से आपको बैक चले आना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे देखो डेवलपर ऑप्शन बोल के एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो इसके अंदर आपको चले जाना है। और फिर आप लोग जैसे यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको स्मॉल विड या फिर डीपीआई या फिर स्मॉल विडेस्ट ऐसे करके आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आप लोग डीपीआई को ऑन कर सकते हो इजिली। अब देखो डीपीआई को कितना इंक्रीज करें जिससे हमारा फोन भी खराब ना हो और हमारा गेम भी अच्छा खासा चले। अब देखो डीपीआई बेसिकली हमारे रैम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, डीपीआई बेसिकली डिपेंड करता है हमारे फोन के प्रोसेसर के ऊपर। हाँ भाई, अगर आपका प्रोसेसर जितना बेस्ट होगा तो उतना ही आप लोग डीपीआई को इंक्रीज कर पाओगे। यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, जो हाईएस्ट अभी के टाइम पे जो हाईएस्ट प्रोसेसर है उसका नाम है स्नैपड्रैगन 8G1। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसका जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो आप लोग देख सकते हो 99 है, मतलब आउट ऑफ 100 99 है इसका गेमिंग परफॉर्मेंस। मतलब इसमें अगर आप लोग 1000 तक भी डीपीआई को इंक्रीज कर दोगे ना, तो भाई आपके फोन में कुछ भी नहीं होगा। तो वैसे ही देखो यार, आईफोन में जो प्रोसेसर मिलता है वो एप्पल A15 बायोनिक, इसका जो गेमिंग परफॉर्मेंस है यहाँ पे 96 है, इसलिए जिनके पास आईफोन है ना, तो वो लोग
1000 तक DPI को इंक्रीज कर लेते हैं और उनका फोन में कुछ भी खराबी नहीं होता है। लेकिन अगर आपके फोन में प्रोसेसर कम है और आप लोग DPI को बहुत ही हाई तक इंक्रीज कर दोगे तो वहाँ पे आपका फोन बहुत जल्दी हीट हो जाएगा और आपका फोन भाई एकदम बंद भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। तो आपको उतना भी ज्यादा DPI को इंक्रीज नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे मेरा जो OnePlus है, OnePlus में जो हमें प्रोसेसर मिलता है वो है Snapdragon 870 प्रोसेसर है। यहाँ पे जो इसका गेमिंग परफॉर्मेंस है वो आप लोग देख सकते हो 75 है। तो यहाँ पे मैं अगर चाहूँ तो 600 तक यहाँ पे DPI को इंक्रीज कर सकता हूँ, लेकिन उसके बाद भी मेरे फोन में कोई भी खराबी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, यहाँ पे आपको गूगल में आ जाना है। गूगल में आने के बाद आपका फोन का जो भी नाम है यहाँ पे सर्च करना है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं एक मोबाइल का नाम सर्च करता हूँ। यहाँ पे मैं Realme 3 का जो प्रोसेसर नेम है वो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे प्रोसेसर का नेम मिल चुका है। तो यहाँ पे मैं देख सकते हो जो इसका प्रोसेसर है इतना ही है। तो इसका जो परफॉर्मेंस है उतना भी ज़्यादा नहीं है। तो इसके लिए आपको कितना DPI यूज़ करना है, यहाँ पे आप लोग भाई 200 तक DPI इंक्रीज कर सकते हो। तो भाई यार सबसे पहला काम आपको यही करना है, आपका फ़ोन का जो भी नाम है यहाँ पे सर्च कर लेना है, उसमें कौन सा प्रोसेसर है सबसे पहले आपको वो चीज़ देख लेना है और उसके हिसाब से आपको DPI को लगाना है। लेकिन यहाँ पे आपको DPI को कितना यूज़ करना है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखो अगर आपके फ़ोन का जो प्रोसेसर है वो 400 के ऊपर है तो वहाँ पे आप लोग सिर्फ 100 DPI को इंक्रीज करना, मतलब डिफ़ॉल्ट DPI जो भी आपको मिल रहा है उसके साथ आप लोग 100 ऐड कर देना, बस उससे ज़्यादा आपको ऐड नहीं करना है। लेकिन अगर आपके फ़ोन का जो प्रोसेसर है वो 500 से ऊपर है तो वहाँ पे आप लोग 250 तक DPI को इंक्रीज कर सकते हो, मतलब आपका पहला जो DPI है उसके साथ आप लोग और एक्स्ट्रा 250 DPI को इंक्रीज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं करना है। अब देखो अगर आपका फ़ोन का जो प्रोसेसर है वो 600 से ऊपर है तो वहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, वहाँ पे आप लोग 300 तक, हाँ भाई 300 तक आप लोग DPI को इंक्रीज कर सकते हो और कुछ भी आपके फ़ोन में खराबी नहीं आएगा। अब देखो अगर आपका फ़ोन का जो प्रोसेसर है वो अगर 700 से ऊपर है तो वहाँ पे आप लोग 400 तक DPI को इंक्रीज कर सकते हो, तो वहाँ पे कोई भी आपके फ़ोन में खराबी नहीं आएगा। और अगर आपके पास भाई 800 के ऊपर प्रोसेसर है, जैसे यहाँ पे मेरे फ़ोन में जो Snapdragon 870 प्रोसेसर है, तो यहाँ पे मैं चाहूँ तो भाई 500 तक DPI को इंक्रीज कर सकता हूँ, लेकिन उसके बाद भी मेरे फ़ोन में कोई भी खराबी नहीं आएगा, मेरा गेम एकदम स्मूथली रन करेगा। सिर्फ गेम ही नहीं, मेरा मोबाइल भी एकदम स्मूथली काम करेगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगा, क्या प्रॉब्लम होगा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो मेरा लेटर्स वगैरह जो भी आइकन वगैरह है ऐप का, यहाँ पे बहुत छोटा छोटा हो जाएगा तो मुझे टाइपिंग करने में ज़्यादा मुश्किल होगा। तो इसलिए मैं ज़्यादा DPI को इंक्रीज नहीं करता, मैं 300 तक DPI को इंक्रीज करता हूँ। अब देखो अगर आपके फ़ोन में ऐसे, अगर आपके पास एप्पल है या फिर अगर आपके फ़ोन में स्नैपड्रैगन 8G1 जो प्रोसेसर मैंने आपको बताया सबसे बेस्ट प्रोसेसर अगर ये है तो आप लोग भाई 1000 तक DPI को इंक्रीज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, आपका गेम एकदम स्मूथली चलेगा और भाई आपका जो हेडशॉट लगेगा ना भाई देखने वाला, हाँ भाई देखने वाला हेडशॉट लगने वाला है DPI को यूज करने के बाद। लेकिन यार एक बात का आप लोग ध्यान रखें, आपको ज्यादा DPI यूज नहीं करना है, क्योंकि जितना ज्यादा DPI यूज करोगे तो उतना ही जल्द आपका फोन जो है हीट होना स्टार्ट होगा। और आप लोग बहुत ही ज्यादा DPI को इंक्रीज करके रखोगे तो आपका फोन बहुत ही ज्यादा हीट हो जाएगा और हो सकता है कि आपका फोन एकदम से बंद हो जाए और उसके बाद ना खुले। तो यार आज का वीडियो बस इतना ही था। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारा 3 लाख YouTube फैमिली टारगेट है। तो यार अभी तक आप लोग कंप्लीट नहीं कर रहे हो तो भाई कर दो यार।